क्या आपको पता है दोस्तों, 4th सेंचुरी से पहले लगभग 1000 साल तक पूरी दुनिया में भारत हीरे का एकमात्र सप्लायर था। भारत में जो हीरे पाए जा रहे थे वो मेनली रूप से कृष्णा नदी की डेल्टा में पाए जा रहे थे, और फिर एक लंबे अरसे के बाद 18th सेंचुरी में लगभग 1400 साल के बाद ब्राजील में कई जगह हीरे के भंडार खोजे गए, और इसके तुरंत बाद 1896 में साउथ अफ्रीका में भी हीरे के कई भंडार मिले और हीरे के बाजार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, काफी ज्यादा इजाफा हुआ, हीरे आसानी से मिलने लगे। और 1900 के दशक के बाद से भारत हीरे का मुख्य उत्पादक देश नहीं रहा, लेकिन हीरे का खनन भारत में जारी रहा। 2013 में भारत ने कई अलग अलग औद्योगिक पैमानों की खान और कारीगर खानों से 37.515 कैरेट हीरे का खनन किया, जो कि विश्व में उत्पादन हुए 132.9 मिलियन कैरेट के 1% के दसवें हिस्से से भी कम था। खैर, ये तो प्रकृति का देन है, जो प्राकृतिक चीज है वो नेचर पे ही डिपेंड करती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भारत में भले ही अब हीरे के भंडार कम मिले हैं, लेकिन सबसे पहले हीरे का खनन तो हम लोगों ने ही किया था। तो चलिए बताइए कि इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।